मार्वल, डीसी या डार्क हॉर्स के आपने कई सुपर हीरोज देखे होंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि बचपन में आपने टीवी पर कई इन्हें सुपर हीरोज भी देखे थे? पर उन्हें याद करने से पहले आपको नीचे फॉलो या सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो उसे अभी जाओ और दबा के आओ। बेताल 25C। इस शो में बेताल एक सुपर हीरो था जिसका कैरेक्टर शहबाज खान ने निभाया था, जो कि द फैंटम कॉमिक के कैरेक्टर से इंस्पायर था, जिसमें ये बेताल स्मगलर्स, क्रिमिनल्स और सुपरनेचुरल पावर्स से लड़ता था। कैप्टन व्योम, जिसका किरदार मिलिंद सोमन ने निभाया था, और ये शो स्पेस क्रिमिनल से लड़ने पर बेस्ड था। जूनियर जी, जिसके असली कैरेक्टर का नाम गौरव होता है, एक रात एस्ट्रॉइड से टकराकर उसके पास एक मैजिक रिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उसे मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं, और एट लास्ट वो भी सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आर्यमान, ये शो स्टार वॉर्स की कहानी पर बेस्ड था, जिसे मुकेश खन्ना जी ने टीवी पर दिखाने की पूरी कोशिश की थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें इस शो को अधूरा छोड़ना पड़ा। इस लिस्ट में कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी है, जैसे कर्म मायावी नगरी से कर्मा, और कर्मा कोई आ रहा है से कर्मा। ऐसे दोनों के दोनों शो एकता कपूर के ही थे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। हीरो, भक्ति की शक्ति से हीरो। शक्तिमान, जिसका किरदार मुकेश खन्ना जी ने निभाया था, जिसने अपनी सभी कुंडलिनी और अपने पंच तत्व के पावर्स को जागृत कर रखी थी, और इस पूरी लिस्ट में एक यही ऐसा सुपर हीरो है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आया करता था, और आज भी उतना ही पसंद है, और अब तो इस पर मूवी बनने जा रही है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सभी सुपर हीरोज में से तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा था, और अगर मैं किसी सुपर हीरो का नाम भूल रहा हूँ तो उसका नाम भी मुझे ज़रूर बताना।